सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यदि अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए आप काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हैं बिजनेस को करके। दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन एक ऐसी यूनिक कंपनी और एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया आपके लिए मैं लेके आया हूं जिसको यदि अगर आप स्टार्ट करते हैं एक कम इन्वेस्टमेंट से और आप हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों वो कैसे और ये बिजनेस क्या रहने वाला है इसके बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ MHV मीडिया ऑफिसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए, जो कि यहाँ पे हमारे साथ में सर हैं। सर सारी जानकारी देंगे इस बिजनेस आइडिया के बारे में। हेलो सर। हेलो सर, आप अपना नाम बताइए और अपने कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। सर मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, हमारी कंपनी का नाम MHV मीडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, जैसे होम सिक्योरिटी, शॉप सिक्योरिटी और मोबाइल सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे मोबाइल की चोरी अगर कोई करता है तो उसको बचाया जा सकता है, आपके ऑफिस या आपका कोई फैक्ट्री है उसमें भी आपका अगर चोरी होता है तो उससे भी बचाया जा सकता है, ऐसे ऐसे इनके पास प्रोडक्ट हैं। तो सर ये बताइए इस प्रोडक्ट को लेकर के कोई कैसे बिजनेस कर सकता है? सर जैसे जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी जो ट्रेंड में हमारा है उसका नाम है सर रक्षा कवच। सर मोबाइल सिक्योरिटी है जो मोबाइल को चोरी नहीं से बचाता है, साथ में हमारे भी सेफ्टी करता है। हमने देखा इस प्रोडक्ट को ट्रेंड में इसलिए बोला कि ट्रेंड में भी चल रहा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है लेकिन ये ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि सर आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अगर मोबाइल है और मोबाइल की सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है समझ सकते हैं उसके डाटा से, कि डाटा हम पूरा का पूरा मोबाइल में स्टोरेज करके रखते हैं और अगर डाटा किसी के हाथ में लग जाता है तो हमारा डाटा को मिसयूज कर सकता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले फोकस किए कि मोबाइल को सेव करेंगे। अगर मोबाइल सेफ हो जाएगा सर तो हमारा आधा के आधा जो चीजें हैं, प्रोफाइल है, पूरा का पूरा सेफ हो जाती है। इसलिए हम लोग रक्षा को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे इमेजेस होते हैं पर्सनल और बैंक डिटेल्स भी होती है उसमें, और भी बहुत सारे चीजें होती है हमारी जो कि फोन नंबर भी ले सकते हैं उनको, और हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारे चीजें होती है मोबाइल के अंदर जो कि हमारा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर मोबाइल गायब हो जाता है तो इसी की सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट है सर के पास। और सर ये बताइए इस बिजनेस को करने के लिए क्या मकान या दुकान या ऐसा कुछ लेने की जरूरत है या अपने घर से भी कोई बिजनेस कर सकता है? सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ना तो कोई शॉप की जरूरत है, ना ही कोई बड़े बड़े गोदाम की जरूरत है, ना ही ऑफिस की जरूरत है। आप जहां रहते हैं, जिस रूम में रहते हैं, आप उस सिंगल रूम से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है। आप एक डिब्बा रख करके किसी भी कॉर्नर में टेबल की बस उतना जगह होना चाहिए कि आप उसको कहीं भी आराम से प्लेस। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि अगर इस बिजनेस को कोई स्टार्ट करता है तो क्या बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है या 8वीं या 10वीं पास है वो भी इस बिजनेस को कर सकता है? सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सर कोई डिग्री, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, बस उसको एंड्रॉइड फोन चलाने आना चाहिए। वो 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12th पास हो, मायने नहीं करता, बस उसको एंड्रॉइड फोन चलाने आना चाहिए। ओके सर, सर ये बताइए इस प्रोडक्ट को लेकर के अगर कोई मार्केट में जाता है, मान लीजिए वो नया अगर कोई नया स्टार्टअप ही कर रहा है, उसको नई मार्केटिंग के बारे में पता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर से कैसे बात करना है, उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तो अगर आपकी कंपनी के साथ कोई जुड़ता है तो मार्केटिंग कैसे कर सकता है और उसकी क्या ट्रेनिंग आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है? सर अगर कोई हमारे साथ बिजनेस करता है या फिर बिजनेस स्टार्ट करता है, मिलकर काम करता है सर, तो हमारी कंपनी पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करती है। सबसे पहले हम बता दें कि हमारी कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जो भी बंदा हमारे साथ जुड़ते हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग में जो भी मटेरियल है वो पूरी तरह कंपनी देती है। साथ में आपको मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग होता है और डिजिटल मार्केटिंग हमारी कंपनी की जैसे कि सोशल मीडिया पर प्रचार जितना होता है, यूट्यूब हो गया, आपका वीडियो प्रोवाइड करते हैं, आप उस वीडियो को शेयर करके आप अपने इलाके में ये चीज कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, और इस तरह से तमाम तरीके से हमारी कंपनी सपोर्ट करते हैं। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि घर की महिलाएं हैं, स्टूडेंट हैं या रिटायर्ड कोई पर्सन है, क्या वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं? जैसे कोई पार्ट टाइम में करना चाहे तो क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इसके लिए सर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो जहां है उस जगह पर रह करके, चाहे वो महिला है या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है या स्टूडेंट है, वो पढ़ाई भी करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम के तौर पर देख सकते हैं, और उनके लिए वो डिजिटली ये कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा के, फेसबुक पर स्टेटस लगा के इस प्रोडक्ट का पहले लोगों को बताएंगे, लोग इनके जब इंटरेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, इंटरेस्ट लेते हैं और लेंगे भी,
और जब उनको बोलेंगे हमको ये प्रोडक्ट चाहिए तो उनसे कॉल करके कनेक्ट करके बस उनको प्रोवाइड करवाना होगा। ओके सर, ये बताइए मार्केट में बहुत सारे बिजनेस हैं ऑलरेडी और बहुत सारी कंपनीज भी हैं, लेकिन आपकी कंपनी ऐसा क्या फैसिलिटी देती है कस्टमर को कि कस्टमर आपकी कंपनी से जुड़कर ही बिजनेस करे? सबसे पहली बात होती है सर भरोसे की। हमारी कंपनी भरोसे की है क्योंकि बहुत सालों से काम कर रही है हमारी कंपनी। साथ ही साथ हमारी कंपनी सेंट्रल सरकार से ISO सर्टिफाइड है। अब GST नंबर जाकर के वहां पूरे वेबसाइट पर सारी डिटेल दिया हुआ, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कंपनी क्या करती है कि पूरी तरीके से सपोर्ट तो करते ही करती है। अगर हमारे साथ कोई एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो उसको एक बंदे की सैलरी हमारी कंपनी 7,000 रुपए देती है और एक साल का एग्रीमेंट पेपर देती है जो ये रहता है कि आपके जिस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर है आप किस वही को वहां और सेल नहीं कर सकता है, आप रिटेलर बनेगा सुपर रिटेलर बनेगा वो सब आपके अंदर में चला जाएगा। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी है जो हमारी कंपनी देती है। साथ में साथ मार्केट मटेरियल पैम्पलेट पोस्टर बैनर ये सारी की सारी कंपनी प्रोवाइड करती है, कैनोपी हो या अम्ब्रेला पूरा टी शर्ट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि अगर आप इनकी कंपनी के साथ जुड़ करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो आपको 1% की सैलरी भी कंपनी देती है जो कि अदर कंपनीज इस चीज को फॉलो नहीं करती है। मार्केटिंग मटेरियल एक साल का एग्रीमेंट भी करती है इनकी कंपनी, तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। क्या ये जो प्रोडक्ट है आपका इसका क्या आप डेमो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो आपका प्रोडक्ट है काम करता है? यस सर, ये प्रोडक्ट है सर रक्षा कवच है, ये किस प्रकार से काम करता है चलिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, लाइव डेमो कि किस प्रकार से कैसे काम करता है। आइए सर हमारे देखिए रक्षा कवच हमारे फोन में इंस्टॉल है। यहाँ पे हम आते हैं रक्षा कवच को ओपन किए, ओपन करने के बाद मैं इसको प्रोफाइल में जाता हूँ। यहाँ पर फाइल देखिए प्रोफाइल है, प्रोफाइल में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये पासवर्ड हमेशा याद रखना है। साथ ही साथ इमरजेंसी 2 नंबर मांगेंगे, ये दोनों नंबर मैंने एक नंबर दिया एक नंबर नहीं दिए, आप दोनों नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, यहाँ पर सिक्योरिटी स्पेशल रिसेट कोड है और ये आपका लोकेशन आईडी है, हम इस सबमिट कर देते हैं। मेरा प्रोफाइल पूरा के पूरा सेव हो गया। अब हम जाते हैं आपको मेन इसमें, अब यहाँ पर फीचर्स पूरे के पूरे दिए हुए हैं, पूरा के पूरा 24+ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला इमरजेंसी स्पीड अलर्ट मोड, इसमें क्या होता है कि अगर आप बाइक या कार चलाते हैं और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो फीचर है ये क्या करता है कि आपके इमरजेंसी नंबर पर कॉल चला जाता है साथ में मैसेज चला जाता है। यहाँ पे आपने डेमो दिखाया मुझे तो बहुत पसंद आया और इसमें काफी सारे फीचर्स हैं जो कि अगर आप अपने मोबाइल में इस प्रोडक्ट को डाल लेते हैं तो उसके बाद आपका मोबाइल बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाता है, कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकता, कोई भी आपका मोबाइल अगर ले लेता है तो उसका मिसयूज भी नहीं कर सकता, आप कभी भी अपने मोबाइल को अपने अंडर में ले सकते हैं, यानी आप किसी और मोबाइल से भी अपने मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मैं तो इसको यूज करना चाहूंगा, अगर आप भी चाहते हैं यूज करना इस प्रोडक्ट को तो आप भी लेकर के यूज कर सकते हैं और दूसरा कि इस प्रोडक्ट को लेकर के आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो सर बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इसका? सर अगर कोई बिजनेस करना चाहता है हमारे साथ तो हमारे पास पैकेजेस है सर, डिस्ट्रीब्यूटर का, सुपर रिटेलर का और रिटेलर का। ओके, अगर कोई मिनिमम अमाउंट में बिजनेस इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मात्र 8,000 रुपये लगा करके कंपनी के साथ जुड़ करके वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें भी 1,000 रुपये बुकिंग अमाउंट देकर के अपने घर पे प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी मंगवा सकता है। ओके, मात्र 1,000 रुपये में आप बुकिंग अमाउंट देकर के भी यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 8,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट लगने वाला है इस बिजनेस को करने के लिए। तो दोस्तों देरी ना करें, आप जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा सर कि ये बताइए इसमें प्रॉफिट कैसे होगा अगर ये कोई बिजनेस स्टार्ट करता है? सर अगर कोई हमारे साथ एज ए रिटेलर से जुड़ करके बिजनेस स्टार्ट करता है सर तो हम जैसे हमारे साथ बहुत सारे रिटेलर्स जुड़े हुए हैं और वो उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ किस प्रकार से मार्केटिंग वो कर रहे हैं, तो वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप किस प्रकार से मार्केटिंग को बनाए हैं, किस प्रकार से मार्केट में अपना वर्चस्व रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं। ऐसे हम जो बात करते हैं सर तो लोग बताते हैं कि 50 से 60,000 रुपये मिनिमम आराम से वो इनकम कर लेते हैं। Okay. तो सर यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर जो इनकी कंपनी से जुड़ रखे हैं रिटेलर्स हैं वो 50 से 60,000 रुपए कमा रहे हैं, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर कितना ज्यादा कमाते होंगे। और सर यही लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप हमारे लास्ट में व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और पता लगाइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं, अगर नहीं है तो कॉल करके तुरंत बुकिंग अमाउंट देकर के बुक करवाइए और आप डिस्ट्रीब्यूटर आपके हाथ से चला ना जाए इसका फायदा उठाइए। ओके, तो यहाँ पे सर ने बताया कि अगर आपके एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं और इनकी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के इनकी कंपनी से
जुड़ करके बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो और ये बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।